हेलो गाइस, मैं उनके क्रिकेट आप देख रहे हैं क्रिकेट ट्यूटोरियल पॉइंट। तो नीट की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि 2020 में जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो डेट आ गया है वो नीट ने रिलीज कर दिया है। तो आप जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है ntanet.nic.na पर आप जाके आप वहाँ पर देख सकते हैं जो नीट की जो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सेसिबिलिटी है, या फिर एज लिमिट कितना है, या फिर फीस कितनी एक बार फिक्स की है। तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप यहाँ वेबसाइट देख रहे हैं ntanet.nic.in। आप यहाँ पर वेबसाइट सीधा गूगल में सर्च करें आप, और यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो और भी जितने सारे वेबसाइट्स से बाहर की वेबसाइट्स उन पर आप ना जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं और उनके इंफॉर्मेशन को गेन करें और उनके जो इंस्ट्रक्शन है उन्हें आप पढ़ें। तो आप यहाँ पर जो ntanet.nic.in पे जाएं और सीधा आपको इस वेबसाइट पे वो ले आएगा। उसके बाद जो आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन फील एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसके ऊपर क्लिक कर लें, ताकि आपको जो इंस्ट्रक्शन इस बार जो नीट की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, ये सब आप न्यूज यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रस्ट करें ना कि बाहर की वेबसाइट्स पे, क्योंकि वहाँ पर जो पुराने पेजेस होते हैं उन्हें अपडेट किए होते हैं, तो वहाँ पर गलत गाइडलाइन मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर स्टार्ट से जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अप्लाई है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट 2020 ऑनलाइन ओनली, ठीक है। इन्होंने बताया है कि इंडियन रेसिडेंट्स, तो कॉमन चीज़ें आप देख सकते हैं, वैसे नॉन रेसिडेंट्स जो बाहर के बंदे हैं उनको अप्लाई करने के लिए। और एज कैटेगरीज फॉर अपेयरिंग फॉर नीट यूजी 2024 फॉलोअर्स, मतलब आपकी एज हमें 2023 से मतलब 31/12/2003 तक का आपका एज से ऊपर होना चाहिए, भी मतलब उससे नीचे वाले आप दे सकते हो। उसके बाद आपको जो नीट की एग्जाम डेट फिक्स की गई है वो बेसिकली 3 मई 2020 तक आपको जो नीट की एग्जाम होगी वो शेड्यूल किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म फिलअप का जो डेट है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो गया, मंडे से। अब ये कब तक चलेगा? 31/12 तक, मतलब लास्ट दिसंबर तक चलेगा, इतने बजे तक, ठीक है। तो और जो पेमेंट की जो शेड्यूल बताई गई है इसमें, शेड्यूल फॉर सक्सेसफुल पेमेंट ऑनलाइन फीस की, वो 2 तारीख से 1 तारीख तक, मतलब आप फॉर्म यहाँ तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। उसके बाद आप इतने तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा आपको 1 तारीख तक, ठीक है, 1 जनवरी तक आपको करना ही पड़ेगा 2020 तक, ठीक है आपको। और उसके बाद जो शेड्यूल फॉर करेक्शन का जो डेट है वो उन्होंने ऑनलाइन करेक्शन फॉर डेटा इन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, तो पहले तो 2 से 31 तक आपका फॉर्म फिल होगा यहाँ पर। अभी वहाँ पर करेक्शन, जैसे आपने 2 तारीख को या अभी 6 तारीख को 5 तारीख को आपने फॉर्म भर दिया और आपका कुछ करेक्शन हो गया, तो आप अभी करेक्शन नहीं करोगे, क्योंकि अभी सिर्फ फॉर्म का फिलअपन फिलिप चल रहा है, मतलब वहाँ अभी फॉर्म ही भरेंगे, अभी उनका करेक्शन वाला ऑप्शन ओपन नहीं किए वो लोग, ठीक है। तो 15 तारीख के बाद आपके अंदर आपके डेटा में करेक्शन हो गया होगा, तो आप 15 तारीख से 31 तारीख तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं, इन्होंने यही बताया है। 15 तारीख के बाद ही वो अपना पोर्टल पर एक्सचेंज करेंगे कुछ चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद जो एडमिट कार्ड का जो जो डेट बता रहे हैं लोग, वो 27/3/27/2020 तक बता रहे हैं, मतलब मार्च में आपको 27 मार्च तक आपको ये मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ तक, ठीक है, उतने डेट तक। और अगर सीबीएसई का ही इससे कनेक्टेड है तो ये फास्ट काम होता है, यहाँ हो जाएगा, मतलब 27 तक आ जाएगा इनका जो भी है एडमिट कार्ड का। उसके बाद डेट तो आपने पता ही, यहाँ से देख सकते हैं डेट आपको बताया है कि अब 3 मई तक आपका पेपर होगा 2020 तक, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जो ड्यूरेशन बताया है एग्जामिनेशन का वो 3 आवर्स का है, मतलब 180 मिनट्स का, ठीक है। और टाइमिंग एग्जामिनेशन वही 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगा आपका। और आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑफ आंसर कीज वगैरह, जो भी आंसर कीज वगैरह है वो अपलोड हो जाएंगी इसी वेबसाइट पे। आप रेगुलर इस वेबसाइट को विजिट करते रहेगा या जब से फॉर्म फिलअप कर लेते हैं उसके बाद, जो न्यू कैंडिडेट हैं मतलब 2020 के नीट के, ठीक है, तो आप रेगुलर विजिट करते रहेगा, क्योंकि सब बहुत इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं आपको, आपकी बैच स्टार्ट हो रही है तो बहुत चीज़ें हम मेंशन करनी पड़ेगी आपको वापस। और जो डिक्लेरेशन जो रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन का डेट बताया जा रहा है वो आपको जून में बता रहा है, 4 जून 2020 तक आपका जो रिजल्ट है। लेकिन इनकी डेट्स करेक्ट होती है, मतलब 1-2 दिन हो सकता है इधर उधर, अदरवाइज इनकी डेट करेक्ट है, आपको रिजल्ट 2 तारीख तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है। और आप फीस पे ध्यान देने क्या क्या फीस स्ट्रक्चर इनका अभी फॉर्म का,
जनरल के लिए आपका दे रहा है 1500 रुपये, ठीक है। और यदि ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल लेयर वगैरह है, तो ओबीसी वालों का जो पिछड़ा वर्ग वगैरह का है तो उनका 1400 रुपये बता रहा है, ठीक है। एससी एसटी पीडब्ल्यू कुछ भी हो, टर्म सेंटर वगैरह, तो उनकी 800 रुपये बता रहा है। और आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने जाएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होगी जो आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है, अपलोडिंग करने के लिए। पहला चीज तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, ठीक है, पासपोर्ट साइज, आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए जो लैब, ठीक है, जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश से भी स्कैन करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा आपको। और फिर लेफ्ट थंब का आपका वो भी चाहिए, ठीक है, इम्प्रेशन चाहिए आपका लेफ्ट लेफ्ट थंब का। और आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की तो होगी नहीं अभी, ठीक है। और उसके बाद आपका एक पेमेंट का प्रोसेस बताया कि आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक। आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी, नेट बैंकिंग होगा आपके में तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, यूपीआई आपको पता है। और एक ऑप्शन और भी दे दिया है वो पेटीएम का, तो बहुत कॉमन ये पेमेंट गेटवे है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन तीन तरीके हैं, मैं तो बोलूंगा नेट बैंकिंग सबसे ज्यादा अच्छा है, ठीक। और उसके बाद बाकी तो नॉर्मल चीजें हैं, बाकी की चीजें हैं, बस आपको इस चीजें पर ध्यान देनी है। और आपको रेगुलर इस वेबसाइट्स पे विजिट करते रहना है, ठीक है। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दिया हुआ है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड एंड मेंटेशन ओनली इज ऑन पेरेंट्स मोबाइल नंबर, ठीक है, ओनली एप्लीकेशन फील्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास कम से कम एक मोबाइल नंबर होना चाहिए रजिस्टर्ड, जिसपे कि आपका वो सिक्योर हो, आपका वो मोबाइल नंबर, ठीक है। और आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी यदि कुछ आपके फॉर्म में, जैसे आपकी आईडी बन, जैसे आपकी एडमिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया, फिर एडमिट कार्ड आपका नहीं आ रहा, तो आपकी ईमेल आईडी पे कभी आप मेल कर सकते हैं, या तो फिर आपके ऊपर उसे रिस्पॉन्स आ सकता है, ठीक है। मतलब इन बेसिकली मेलिंग कॉन्टेक्ट के लिए किया जाता है, मोबाइल नंबर और मेल, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सब चीजों का। आप यदि स्टडी के फील्ड में जा रहे हैं, जॉब के फील्ड में जा रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा इनका, आपके पास एक पर्सनल मोबाइल और एक ईमेल आईडी तो होना ही चाहिए, एक मोबाइल नंबर रहना है, ठीक है। इसके बाद आप ये सब टर्म एंड कंडीशन को समझने के बाद, आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद, आप इसको आप एप्लीकेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। यहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसेस पर अप्लाई कर दें, और यहाँ पर आप थोड़ा सा नेट स्लो है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आप यहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरा डेट, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपकी जो कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फिजिकल हैंडीकैप हैं या नहीं, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ है आपका, फिर आपकी जेंडर से नेशनलिटी है, ठीक, और पात्रता राज्य कोटा वही आपका, जो आपके स्टेट का कितना परसेंट है वो सब ऐड होता है इसमें, ठीक है। और आपका नंबर, ईमेल आईडी, ठीक, आप सब चीज़ फिल कर सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ तो है नहीं, बाकी जो आगे आने के बाद आपका प्रोसेस है वो सब ठीक हो जाएगा बाकी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद आपकी जो फॉर्म फिलअप की जो ओपन है वो हो जाएगी। तो आप यहाँ तक ये सब चीजें आप फिल कर लें, और इससे कुछ अलग लेटेस्ट न्यूज होगा इसके बारे में, तो मैं और भी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।